जय मा सरला जय गुरुदेव। नमस्कार दर्शक बंधु एस्ट्रो पैराडाइस यूट्यूब चैनल को मुझे राष्ट्रफ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपको स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज अध्याय गोटे बहुत सुंदर टॉपिक नहीं आसी बहुत सारा दर्शक बंधु कमेंट रे लिखी थे कि महिला मैंने तुलसी तोड़ा उचित ना अनुचित बासी तुलसी आम पूजा लगे पार ना ना एमती अनेक प्रश्न समाधान आज ये वीडियो आम करवा टॉपिक स्टार्ट करिबा पूर्वरु आपनकु निवेदन करिवि वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जदि चैनल को आपन सब्सक्राइब करिनांती ताले सब्सक्राइब करंतु पाखर थिबा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करी ऑल ऑप्शन को क्लिक करंतु जा द्वारा जतबेले चैनल रे मु जकोनसी वीडियो अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन आपनकु पाखरे पहुंच पारिबो। दर्शक बंधु जदि आपनकु टॉपिक भल लागे ताले अन्य को शेयर करिवे आपनकु मनरे टॉपिक को ने यदि किछि क्वेश्चन ता ताले मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिबे। दर्शक बंधु आउ डेरी करिबानी आसंतु आरंभ करिबा आजिर अध्याय। दर्शक बंधु शास्त्र कहंती जावत दिनानि तुलसी रूपितापि गृहे वशेत तावत वर्षम सहस्राणि वैकुंठे समहियते। शास्त्र कहले कि सही व्यक्ति सहस्र वर्ष पर्यंत वैकुंठ रे निवास करंती जो माने निजर निवास स्थल रे तुलसी वृक्ष को रोपण करितांती। सनातन धर्म रे तुलसी पूजन रो महिमा महत्व सर्वादौ रहिचि। प्रत्येक वर्ग रो लोक माने तुलसी को पूजा करि पारिबे। देवी पुराण कहंती तुलसी द्रुमरूपस्तु भगवान पुरुषोत्तम सर्वलोक परित्राण विश्वात्मा विश्वपालक। शास्त्र कहले कि समस्त लोकर रक्षक विश्वात्मा विश्वपालक भगवान श्री पुरुषोत्तम ही तुलसी वृक्ष रूप से प्रतिष्ठित। एणु प्रत्येक वर्गर लोक माने माता वृंदावती को तुलसी को पूजा करिबा उचित। आहुरी मध्य शास्त्र कहंती दर्शनात स्पर्शनात नाम कीर्तनात धरणादपि प्रदानात पाप संहरति नरणं तुलसी सदा। शास्त्र कहले कि माता तुलसींकर दर्शन करिबा द्वारा तुलसींकु स्पर्श करिबा द्वारा तुलसींकर नामकु स्मरण करिबा द्वारा माता तुलसींकर नामकु कीर्तन करिबा द्वारा मनुष्य मानंकर समस्त पाप दूर होइथाय। आहुरी मध्य तुलसी वृक्षर महात्म्य को वर्णना करिबाकु जाय शास्त्र कहंती प्रातरुत्थाय सुस्नातो जपस्य तुलसी द्रुमं स सर्व तीर्थ संसुष्टि फल माप्नोति न संशय। शास्त्र कहले कि प्रातः स्नान करी जो व्यक्ति विशेष माने तुलसी वृक्ष को दर्शन करंती से व्यक्ति को समस्त तीर्थ भ्रमण रो फल भोग होइथाय। श्रीमद देवी भागवत कहंती शालग्राम च तुलसी शंखम च एकत्र एव च जो रक्षति महाज्ञानी सभवेत हरे प्रिय। शास्त्र कहले कि जो व्यक्ति शालग्राम शंख एवं तुलसी को एकत्र रखंती से व्यक्ति भगवान श्री हरिंकर अति प्रिय पात्र होई पारंती। आसंत एवं जानिबा केउ दिन तुलसी तोलिबा अनुचित। निर्णय सिंधु ग्रंथ कहंती वैधृतौ च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संक्रांतौ द्वादशमृतके द्वये। शास्त्र कहले कि वैधृति एवं व्यतिपात जोगरे रविवार मंगलवार और शुक्रवार रे द्वादशी अमावास्या एवं पूर्णिमा तिथि रे संक्रांति दिन जनना शौच एवं मरणा शौच चालुथिबा समय रे सूर्यपराग एवं चंद्रग्रहण समय रे तुलसी तोलिबा अनुचित। विष्णु धर्मोत्तर शास्त्र कहंती संक्रांतौ कृष्ण पक्षान्ते द्वादश्यां निशिषन्दयो। अर्थात संक्रांति रे अमावास्या रे द्वादशी रे रात्रि समय रे एवं उभय संध्या समय रे अर्थात उभय संध्या कहले कौन सूर्य उदय पूर्वरु एवं सूर्य अस्त परे ए जो संध्या समय रहिला एही समय रे तुलसी चयन करिबा अनुचित। तुलसी वृक्ष को स्पर्श करिबा मध्य अनुचित। आन्निक सूत्रावली ग्रंथ कहंती अस्नात्वा तुलसी मिचित्वा जपूजं कृते नर सोपराधि भवेत सत्यम तत् सर्वं निष्फलं भवेत। शास्त्र कहले कि अगाधुआ तुलसी तोलिबा अनुचित। जो व्यक्ति माने अगाधुआ तुलसी चयन करंती से तुलसी को पूजा कार्य रे लगांती तो सेमानंकर पूजा व्यर्थ होइथाय निरर्थक होइथाय।
पद्म पुराण कहते पूर्णिमायम अमाया च द्वादशम रवि संगमे तला भंगे च स्नातेन मध्याने निशिसंदयो अशौचे शुचिकाले च रात्रिभासा नुते पिबा तुलसीं च विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरे स्थिर। शास्त्र कहले कि पूर्णिमारे अमावास्यारे द्वादशी तिथिरे संक्रांतिरे शरीरें तेल लगाइथिबा अवस्थारे अगाध्वारे मध्याह्न समयरे रात्रि समयरे सूर्य अस्त परे सूर्य उदय पूर्वरु अशौच चलुथिबा समयरे रात्रिरे पिंधि सोइथिबा वस्त्रकु परिधान करी तुलसी चयन करिबा अनुचित। जो माने एइबोली अवस्थारे तुलसी चयन करंती सेमाने भगवान श्री हरिंकर शिरच्छेदन करिबा सहित समान होइथाय। एणु एइ दिन मानंकरे एइ अवस्थारे तुलसी चयन करिबा अनुचित। जदि एइ दिन आमे तुलसी चयन करिबा नाही ताले सेदिन प्रभु शालग्रामंकु प्रभु विष्णुंकु केमिति पूजा करिबा, कारण तुलसी बिना शालग्रामंकर पूजा भगवान श्री हरिंकर पूजा असंपूर्ण। किंबा आमे दिनरे तुलसी चयन करिने रात्रिरे कोनोसी पूजा कार्यरे तुलसी दरकार पड़ा ताले आमे कौन करिबा, रात्रि तो तुलसी तोला जाएनि, तो एइ भली घड़ीसंधि मुहूर्तरे आमे कौन करिबा। ए समस्यार समाधान ब्राह पुराण खूब सुंदर भावरे करंती। निषिद्धे दिवसे प्राप्ते कुर्ण्यात गलितम दलम तेनैव पूजम कुर्वितम न पूजा तुलसीम विना। शास्त्र कहले कि निषिद्ध समयरे तुलसी पत्रर आवश्यकता पड़िले आमे तुलसी गच्छरु स्वतप्रभूत भावरे झड़ी पड़िथिबा पत्र आनी प्रभुंकर कार्यरे प्रभुंकर पूजारे लगाई पारिबा। जेउ दिन तुलसी चयन करिबा को मना करा जायछि प्रभुंक पई ता पूर्व दिन तुलसी चयन करी रखी पारिबा कि ए भी गोटे प्रश्न आसे। धरंतु मंगलवार रविवार शुक्रवार दिन तुलसी तोलिबा को शास्त्र मना करंथि, तेणु आम रविवार दिन मंगलवार दिन शुक्रवार दिन प्रभुंकर पूजा पई ता पूर्व दिन तुलसी चयन करी रखी पारिबा कि। शास्त्र कहंती पंकजं पंचरात्र स्यात् दशरात्रं च बिल्वकम् एकादशाह तुलसीं नैव पर्जुषिता भवेत्। अर्थात तुलसी पत्र को 11 दिन पर्यंत आमे शुद्ध स्थान रे पवित्र स्थान रे रखी प्रभु को समर्पण करि परिबा प्रभु को पूजा रे लगाई परिबा एथिरे बासी दोष लागिबो नाही। एबे सबुठारु बड़ प्रश्न महिला माने मां माने तुलसी चयन करि परिबे ना नाही। शास्त्र कहंती महिला माने तुलसी चयन करि परिबे। जेउ मां मानंकर मासिक धर्म बंद हो जाइथिबो सेमाने तुलसी चयन करि परिबे, एवं जेउ मां मानंकर मासिक धर्म चालुथिबो सेमाने मासिक धर्मर 7 दिन थारु तुलसी चयन करि परिबे। किंतु महिला माने तुलसी चयन करि परिबे केवल भगवानंकर पूजा उद्देश्य रे प्रभुंकु समर्पण करिबा पई, अन्य कोनोसी कार्य रे अन्य कोनोसी क्षेत्र रे मां माने महिला माने तुलसी चयन करिबा अपराध अटे। दर्शक बंधु ये थिला आपण मानंकर किछि प्रश्नर किछि समस्यार समाधान। आशा करिबे आजर टॉपिक आपनकु भल लागिथिबो, जदि आपनकु भल लागिथाय बहुत लोकंकु शेयर करिबे समस्तंकु जणैबे। एस्ट्रो पैराडाइज रा मोटो सिखिबा सिखैबा जानिबा जणैबा, मु सिखुची आपनकु सिखौची मु जानुची आपनकु जणौची, त आपन जानंतु अन्यकु भी जणंतु। दर्शक बंधु पुणी आसबि आगामी अध्याय आउ एक सुंदर टॉपिक ने से पर्यंत आपण माने भल थांतु खुशी रे थांतु। मते विदाय दंतु रहली। जय मा सरला, जय गुरुदेव।